चार नंबर देखते हैं, तीन नंबर तो बना लीजिएगा। कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है यहाँ 264 मीटर इसका, और आयतन दिया है, तो हमें स्तंभ का व्यास निकालना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है तो 264 मीटर स्क्वायर। क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr ना, बराबर में 264 मीटर स्क्वायर। एक काम करिए ना, यहाँ से 2 को इधर डिवाइड में भेज दीजिए तो पाई आर एच का वैल्यू निकलेगा यहाँ से 264 और बटा में 2 मीटर स्क्वायर। काट देंगे कितना बार में, 132 बार में कट जाएगा ना, 132 मीटर स्क्वायर पाई आर एच का वैल्यू आया। चलिए आयतन दिया है, बेलन का आयतन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बेलन का आयतन आपके पास दिया है, कितना दिया आयतन 924 मीटर क्यूब। अच्छा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 924 मीटर क्यूब। एक काम करिए इसको पाई आर एच इंटू में ऐड दे सकते हैं, दो बार है ना इसमें, आर स्क्वायर है तो इसलिए अलग कर दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि आपके पास पाई आर एच का वैल्यू पहले से मौजूद है, 132 यहां रख देते हैं तो 132 गुना आर बराबर हो जाएगा 924, तो यानी कि r बराबर आ जाएगा 924 और बट्टा में 132। कितना बार में कटेगा इसको काट दीजिए, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 मीटर त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या गई तो आपको क्या निकालना था, व्यास ना, तो यानी d बराबर 2r होता है, यानी कि 2 ना 7 14 मीटर हो जाएगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो 14 मीटर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए फिर अगला